हेलो गाइस, वेलकम टू डे होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसा आप लोगों को पता ही है कि कल एलआईसी जॉब बोलियो का प्री का एग्जाम था, एंड अभी बच्चों का मन में सवाल है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो आज इसी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो का एंड तक बने रहिए। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कीजिए और फटाफट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, बच्चों के मन में एक डर है कि सर इस बार का कट ऑफ हाई जाएगा। क्या रीजन है? रीजन ये है कि वैकेंसी कम थी है एंड टोटल एप्लीकेंट है वो है 6 लाख। सिर्फ बच्चों का यही चल रहा है। देखिए, कभी भी कट ऑफ जो है टोटल एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंड करके कट ऑफ सेट नहीं होता है। कट ऑफ सेट करने का फैक्टर होता है, उसमें से सबसे जो मेन होता है वो तो एग्जाम डिफिकल्टी लेवल, सेकंड बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट क्या है, एंड उसके बाद वाला क्या होता है, वैकेंसी, ठीक है। तो अगर मैं बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट का बात बोलूं, तो कल जब मैंने एग्जाम खत्म होने के बाद बच्चों से बातें किया, जब एग्जाम रिव्यू लिया, बहुत ही कम बच्चा था जो 55+ अटेम्प्ट करके आया है, फर्स्ट बात, ठीक है। अगर सेकेंड बात, अगर मैं आप लोगों का बात कंसीडर भी कर लेता हूं कि वैकेंसी जो है 300 है एंड जो टोटल एप्लीकेशन है वो 6 लाख है, उसको अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं, तो मान लीजिए मैक्सिमम एवरेज अटेम्प्ट में ले रहा हूं, तो कल जितना भी शिफ्ट हुआ, चारों शिफ्ट मिला के जो मैक्सिमम एवरेज अटेम्प्ट है, ठीक है, वो क्वांट में 27 हुआ, मैंने ये ले लिया, ठीक है। क्योंकि देखिए, अभी आप लोग बोले सर क्वांट में 27 क्यों, उससे ज्यादा क्यों नहीं। देखिए, क्वांट जो था कल का एक मॉडरेट लेवल का था, एक अच्छा लेवल का था, उतना इजी नहीं था कि कोई बच्चा जाकर इजीली 30+ अटेम्प्ट करके आ गया। नो, वैसा पेपर नहीं था कल, तो इसीलिए मैंने मैक्सिमम एवरेज अटेम्प्ट, ठीक है, वो 27 लिया। एंड रीजनिंग का देखिए, कल रीजनिंग में पजिल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का जो वेटेज था वो बहुत ही ज्यादा था। तो अब 20 मिनट्स में 5 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना, ये थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चे कहीं ना कहीं पे जाके फंस जाते ही है। इसीलिए बोलना इजी होता है कि 5 अटेम्प्ट का लेना चाहिए था, 5 अटेम्प्ट करना डुएबल था, क्लर्क में ही बच्चे फंस जाते हैं, ये तो पीओ लेवल का पेपर था। तो अगर मैं बोलूं तो मैंने रीजनिंग का जो मैक्सिमम एवरेज अटेम्प्ट वो मैंने ले लिया 30, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 57। ये मैक्सिमम एवरेज अटेम्प्ट किन का है, जो 6000 बच्चे सिलेक्शन लेंगे उन्हीं का है, उन्हीं का तो मार्क्स सबसे ज्यादा आएगा ना। अभी आप लोग मुझे बोलिए, ये कहां पे लिखा हुआ है कि ये जो 6000 बच्चा अटेम्प्ट करेंगे वो लोग गलती नहीं करेंगे? गलती भी तो करेंगे ना, कोई बच्चा 1 करेगा, कोई बच्चा 2 करेगा, कोई बच्चा 3 करेगा। तो मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं, ऑन एन एवरेज में दोनों ही सेक्शन से 1-1 में माइनस कर रहा हूं, तो टोटल में कितना माइनस करूंगा, 2 माइनस करूंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से कट ऑफ कहीं ना कहीं 54+-2 होना चाहिए, ठीक है। और ये भी मुझे बहुत ही कमती चांस लग रहा है कि कट ऑफ जो है लास्ट ईयर जैसा रहेगा और लास्ट ईयर जैसे उससे ज्यादा क्रॉस होगा, मुझको ये नहीं लग रहा है। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं कल का जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल था वो मुझे ज्यादा लगा एज कम्पेयर टू 2019, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।